हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं हमारे पास में आ चुका है फ्लिपकार्ट से एक नया बॉक्स, और ये बॉक्स काफ़ी छोटा सा है, तो इस बॉक्स में क्या मिल जाता है देखने के लिए ये चलिए हम फटाफट से अनबॉक्सिंग करके चेक कर लेते हैं कि क्या इस बॉक्स में है। तो ये जो है ना, ये छोटा सा है लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। ये रहा प्रोडक्ट, इसमें और कुछ है नहीं, और इसकी प्राइस जो पड़ी है वो पड़ी है 279 रुपीज़, मतलब 280 आप समझ सकते हैं। ये बैक कवर है जो कि उस मोबाइल का जल्दी मिलता ही नहीं, तो सो ऑनलाइन ही हमें प्रेफर करना पड़ा, ऑनलाइन ही हमें मंगाना पड़ा। ये है, आप समझ सकते हैं किस मोबाइल का होगा, ये LG G8X का है। तो इस पर जो टेक्सचर है ना, ये बहुत रियल में अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब फीलिंग अच्छा आएगी। ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है इसका, तो ये चीज़ है। बाकी ये एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा चीज़ अलग लगा, क्योंकि जैसे ये कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो बटन के लिए कटे हुए हैं, बटन जो हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वैल्यूम ऑफ वैल्यूम डाउन, और ये जो है वॉइस असिस्टेंस यानी गूगल असिस्टेंस के लिए जो बटन है, साथ ही साथ यहाँ पर पावर की जो बटन है, ये कुल 4 बटन इसमें हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसके अंदर में ये देखेंगे आप ध्यान से, तो इसमें आपको एक छिद्र दिख जाएगा, सभी बटन्स में सुराख है अंदर साइड में, मतलब कि जो धूल आदि कण होंगे वो मोबाइल के अंदर भी जाने के चांस होंगे। मैं घुमा के आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी तो मुझे ठीक लगी प्रोडक्ट की, लेकिन मेन क्या है ना कि वो थोड़ा मुझे दिक्कत लगा, बाकी सब कुछ इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है इसकी, इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं अपने LG G8X के लिए, तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा बैक कवर सर्च किया कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं मिला। सो मैंने फिर ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया। अब इसे रिटर्न या रिप्लेस मुझे करना नहीं है, क्योंकि अच्छा कोई बैक कवर ही नहीं के साथ में जो आता है मोबाइल के साथ वाला, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है जो कि वाइट होता है, और बिल्कुल ही पीला हो जाता है, सो उसको मैं यूज नहीं करता हूँ। और रही बात इसका जो LG G8X का पूरा फ़ोन आता है, फोल्डेबल वाला, वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको बार बार निकाल लगा सा, जो साइड में होता है ना पतला सा, वो टूट चुका है। दूसरी बात कि जो मैग्नेटिक कनेक्टर होता है वो बारिश में उस में गिर गया था, लाइट में लगा हुआ था और पानी उसके ऊपर गिर गया, जिसके वजह से उसमें जो पिनें होती हैं, छः के या 7 पिन होती हैं, तो वो क्या हो चुका है, वो पिन उसमें से टूट चुकी है, जिसकी वजह से वो कैच नहीं करता, यानी पकड़ता नहीं है, जिससे चार्जिंग नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से मुझे इसी को यूज करना है, उसको मैं बहुत कम यूज करूँगा। मतलब अगर इसको मैं चार्ज करूँगा, तो चार्ज करने का मतलब है, अगर मैं इसे चार्ज, अगर इस फ़ोन को चार्ज करूँगा जो कि LG G8X का है, तो उस फ़ोन को चार्ज करने के बाद उसमें लगा करके चला सकता हूँ, फिर बैटरी जैसे फिर उसे मुझे अगर निकालना पड़ता है, तो ये बार बार निकालने लगाने से क्या हो जाता है, वो जो ब्रेक कर चुका है, इस वजह से कर चुका है। मैंने उसके प्राइस पूछा तो लोगों ने बताया कि आपको लगभग, मतलब जैसे हम लोग का लखनऊ में है, कहीं और भी सर्विस सेंटर मैंने बात किया तो लोगों ने बताया कि लगभग आपको पड़ जाएगा 1200 कुछ आसपास का, वो छोटा सा। ऑनलाइन में चेक किया तो ऑनलाइन में भी लगभग 2700-2800 के आसपास जा रहा था। फिर मैंने बात किया दोबारा तो लोगों ने बताया कि सर एक्चुअली उस समय रेट कुल कन्फर्म नहीं था, अभी मैंने रेट चेक किया है, तो लगभग 800 कुछ रुपये का आपको पड़ेगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो 900 रुपये पड़ेगा। लेकिन अब हम अपने यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर जाके उसे हम लेकर आए, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमारे यहाँ इसका सर्विस सेंटर नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम की बात है। LG का मतलब LG की सर्विस हो जाएगी, लेकिन मोबाइल की सर्विस का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, या तो हम अपने लखनऊ जाएँ, या तो और एक जगह दूरी है जो कि 300 किलोमीटर के आसपास है, तो दोनों जगहों पर वही दिक्कत है। तो इसी वजह से मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये बैक कवर मंगा लिया, और बैक कवर मंगाने के बाद मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फ़ोन कैसा काम कर रहा है ये बता दो आपको, तो फ़ोन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार गिर गया, जिसकी वजह से बैक कवर उसका बैक पैनल जो है टूट गया था, तो बैक पैनल टूटने की वजह से मैंने उसको मंगाया, ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और मैंने उसको चेंज किया, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप चेक करिएगा। और इसे बाय करना चाहे तो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हैं। इसे मैंने बाय किया फ्लिपकार्ट से, आप कहीं और से बाय करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका अगर लुक देखें, क्लोजर लुक, तो आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का देखने में ये लग रहा है। ये जो टेक्सचर है ना, ये रियल में ये अंदर ऐसे हुए हैं, तो हाथ में पकड़ने पर काफ़ी अच्छा लगेगा। अंदर की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है, और बाकी कुछ नहीं है, डायमंड यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है, बस एक डायमंड और कुछ नहीं है। बाकी ये भी जो है ना, आपको जो लाइन दिख रही है, बिल्कुल रियल में लाइन है, जो कि आपको आवाज़ करेगा, ऐसे इस तरीके की आवाज़ें आएंगी इसको जब आप स्लाइड करेंगे तो ये चीज़ है, ठीक ठाक है।
प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इससे बेटर कुछ मुझे दिख नहीं रहा, सो मैंने इसी को इसलिए बाय कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।